पूरे प्रदेश के साथ रीवा में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रही हड़ताल पर, कटा मानदेय वापसी की है मांग। पूरे प्रदेश के साथ रीवा में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने शहर में रैली निकाली और कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इनका कहना था पिछले दिनों जो मानदेय बढ़ा था उसमें 1500 रुपये कार्यकर्ताओं को और 750 रुपये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का काटा जा रहा है। वह चाहती हैं कटौती तत्काल प्रभाव से खत्म की जाए, अन्यथा वह लंबे समय तक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगी। इस बारे में हमने प्रदेश महासचिव आंगनबाड़ी से बात की। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन सीटू का आंदोलन है। आज पूरे प्रदेश में रैली निकाली जा रही है और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम से। क्या मांग है? हमारी मांग है कि जो मानदेय बढ़ा था उस मानदेय राज्य सरकार ने जो मानदेय बढ़ाया था 2018 में जून से लागू हुआ था वो मिल रहा था। उसके बाद में अभी आदेश हुए हैं कि उसमें से 1500 रुपये कार्यकर्ता का और 750 रुपये सहायिका का कटौती हो गया है, उसके आदेश कर दिए हैं। उसके विरोध में हम ये आंदोलन कर रहे हैं। जब तक ये आदेश वो निरस्त नहीं करते और हमारा जो है एरियर सहित भुगतान नहीं करते जो केंद्र सरकार ने बढ़ाया था, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा।